तीन बेटिया ने न्याय दवा दे रे मोदी देखे सदेश। मोदी साहब से क्या कहना है आपका? मोदी साहब से यही कहना है कि तो तू न्याय की बात कर ले और नहीं 2024 दूर को नहीं है। पर इसको पता नहीं है किसान के मुंह में आंगली दे दी तो शेर के मुंह में आंगली दे दी है। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, सबका सबकी बाहें तोड़ दी सरकार ने। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो बीजेपी वाले को मेरे सामने छत्तर पड़ेंगे आने वाले समय। अच्छा, हमारा देश क्या कर रहा है? जो हमारा प्राइम टाइम है वो हम धरने में वेस्ट कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब साल नाश कराई इंडिया का मोदी मीडिया ना सच दिखाती नहीं। मोदी 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 मोदी। तो आपका ये कहना है कि बजरंग पुनिया जो कह रहा है वो 100% सच है? उससे भी आगे, बजरंग पुनिया को मैं 22 साल से जानता हूँ। जब पहलवानों ने छोड़े गोल्ड मेडल को तो हमारे जगह क्या छोड़ेंगे? क्या ये लगता है कि इस आंदोलन के जरिए किसान आंदोलन को दोबारा बल मिल जाएगा? जी जरूर मिलेगा। तो फिलहाल हम जंतर मंतर पर हैं दिल्ली में, जहां पर सुबह से ही एक्शन जारी है और यहां पर खाप पंचायतें और यहां तक कि जो किसान मोर्चे हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं पहलवानों के प्रोटेस्ट में समर्थन के लिए। लेकिन जो आवाज़ें यहां पर उठ रही हैं वो ये है कि ये जो पहलवानों का प्रोटेस्ट है वो धीरे धीरे सब धड़ों का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है, सब पार्टियों का प्रोटेस्ट बनता जा रहा है जो भाजपा के ऑपोजिशन में है। तो यहाँ पर हम पहुँचे, हम देखने पहुँचे कि क्या चल रहा है यहाँ पर, लोगों की क्या सोच है और जो पंजाब और हरियाणा से लोग यहाँ पर आए हैं रेसलर्स के साथ खड़े होने के लिए, उनकी आखिर मोदी सरकार को लेकर और इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या सोच है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो हमारे साथ पंजाब से किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं और उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मांगे हैं सर? सर मांगे है साड़ी भारतीय किसान सिद्धूपुर वालों, असी पंजाब च एक बहुत वड्डी जथेबंदी है आंदोलन भी असी लड़ने के लिए, लड़कियां ने इंसाफ दोने लिए असी दिल्ली जंतर मंतर ते पहुंचे हैं। आप लोग स्पेशली इसी मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आए? यही वास्ते आया, इसी वास्ते आया। अच्छा, इसीलिए आए? हाँ इसीलिए आए। तो आज ये एक शक्ति प्रदर्शन है सरकार को? हाँ ये शक्ति प्रदर्शन ही दिखाया सरकार को। तो ये जो प्रोटेस्ट है इसमें किसान आंदोलन भी मिक्स हो गया? क्यों नहीं है, किसान के बच्चे भी किसान के, किसान का ही है ये मामला जी। प्रधानमंत्री होता है वो सबका माँ बाप होता है, ये सबका माँ बाप है। इसने एक की पक्ष क्यों ले रखी है? माँ बाप होता है जो एक घर में अलबात करता है तो उसको घर से निकाल देता है जी। तो ये तो एक MP है, इसको बाहर नहीं मारता, इसको चला गया, इसको इसकी करो जेल। एक के पीछे क्यों पड़ रहा है ये? बाकी दुनिया सारी झूठी है, वो एक ही है सच्चा आदमी। बाकी किसानों के तो हित में ये सरकार है ही नहीं। अच्छा, किसानों के ऐसे हित में नहीं है। इसने कहा MSP पर किसान की फसल खरीदेंगे, किसान की फसल अभी सरसम है, सरसम 4000 बिक रही है, MSP का रेट है 5455 रुपये, तो वो कहाँ जा रही है? और सरकार के खाते में वही चढ़ेगी, ये बिचौलिए खाएंगे क्योंकि इसके ही गुर्गे हैं ये सारे के सारे। तो आपका ये कहना है कि ये रोष अब दोहरा है? हाँ, एक तो अभी जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो है ही है, हाँ, हाँ। साथ में किसान, हाँ, वाला हाँ, किसान को भी तो लूटने लग रहे हैं। तो मोदी साहब से क्या कहना है आपका? मोदी साहब से यही कहना है कि तो तू न्याय की बात कर ले और नहीं 2024 दूर को नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही आ भी हो मतलब आप ये कह रहे हैं जैसा हाल पाकिस्तान का हो वैसा ही? हाँ वैसा हो जाएगा। तो ऐसे गुंडागर्दी करेंगे तो और क्या होएगा? मुंह में आंगली फेर के देखता है ना भाई किसके जाड़ दांत है कि नहीं है। ये प्रधानमंत्री तो मुंह में आंगली फेर के देखने लग रहा है अभी, मतलब कौन काटता है कौन। हाँ, पर इसको पता नहीं है किसान के मुंह में आंगली दे दी तो शेर के मुंह में आंगली दे दी है। अच्छा, हाँ वो काट भी देगा, इसको पता नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई साहब ने बताया कि ये जो रेसलर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है वो किसान के ही बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात सुन के जो सबसे पहले समझ आता है वो ये है कि एक किसानी वाला दुख भी अंदर है जो ये अब क्लब होता जा रहा है रेसलर प्रोटेस्ट के साथ। आगे चलते देखते हैं क्या मुद्दा है। इंदिरा जी को नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी, अकबर इस देश का जवान और किसान और मजदूर
इनसे देश बनाया भारत, और अब ये जो देश को बेच रहे हैं, किसान हो चाहे जवान हो, जवानों को मरवा रहे हैं और जवानों की शहादत पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा हमारा देश नहीं है। ऐसा ना हमारे देश की ये कल्चर थी, ना हमारे देश की ये राजनीति थी जो आज के दिन है। चाहे खिलाड़ी हों, चाहे जवान हों, चाहे किसान हों, सबका सबकी बाएँ तोड़ दी सरकार ने। जो आप कह रहे हैं ना जी, जब यही बातें हिंदुस्तान में बैठा आदमी मीडिया के माध्यम से देखता है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अब प्रोटेस्ट बंट गया। नहीं, उनको नहीं, ये लगता है कि ये आए तो थे मांग लेकर कि लड़कियों का शोषण हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें सारे राजनीतिक मुद्दे आते जा रहे हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, फिर चाहे वो खाप का जो पहले आंदोलन हो चुका है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी भाजपा विरोधी है सब यहाँ। सुनो, भाजपा विरोधी की बात नहीं, ये सारा देश एक है। इन्होंने तो किसान आंदोलन में भी कही थी ये खालिस्तानी है, परजीवी है, जीवी है, ये तो इनको फंडिंग विदेशों से मिल रही है, बेमतबल के बकवासबाजी कर रहे हैं। इनका जाना अब लगभग तय है, ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ दी। एक बात बताओ, जब देश आजाद होया तो देश के पास बजट भी नहीं था। नेहरू जी ने अपना घर का पैसा डाल के बजट पेश कराया तो था। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार भाजपा से बढ़िया है? बढ़िया है, इन्होंने तो देश बढ़ा है, ये देश को बेचने उजाड़न लाग रहे। तो उन्हें मीडिया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलेगा, ये टाइम बदलेगा। भगवान जब पाप का घड़ा भर जाता ना तो अपना आप सुर्ग आओगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये भाई साहब हरियाणा से आए थे, जिनका ये कहना है कि फिलहाल बहुत से मुद्दे हैं जिनके बारे में बात होना जरूरी है। सर क्या नाम है अपना? अमनदीप सिंह जी। अमनदीप सिंह, हाँ जी, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से बिलोंग करते हैं। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर से, हाँ जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि बैरिकेड उखड़ गए, सब चीजें? देखिए, सुबह की बात करें, हम थोड़ा लेट हो गए, हमें उसके बारे ज्यादा पता नहीं। अच्छा, जो हम यहाँ पे आए हैं, देखो हम सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे गुरु नानक पातशाह जी ने कहा है औरत का दर्जा बहुत ऊपर दिया है। अच्छा, ठीक है जी, उस उदे अकॉर्डिंगली तियां भैणा जो बेटियां होती हैं सभी के लिए एक जैसी होती हैं, हमारे धर्म को ये मानते हैं हम। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहलवान लड़कियों के साथ जो आपको मालूम है जो कुछ भी हुआ, उसके हम उन लड़कियों के समर्थन में, पहलवानों के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके हम समर्थन में हैं। अच्छा, हाँ जी, हम देख रहे हैं कि अलग अलग किसान जत्थेबंदियां यहाँ पर आ रही हैं, खाप पंचायत के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जबकि खिलाड़ी कम है। आप ये आप भी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, कारण क्या है इसके पीछे? कहीं ना कहीं ये जब बाहर चीज़ें लोग देखते हैं तो उनको लगता है ये जो मंच है ये राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। नहीं, राजनीति हमारा संगठन तो बिल्कुल भी गैर राजनीतिक है, तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से हम हैं। तो जो खिलाड़ी हैं कमे हैं ना, उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, उसका दादा आ रहा है, उसका बाप आ रहा है, उसकी माँ आ रही है, सभी आ रहे हैं, तुम देख रहे हैं आप, तो जो खिलाड़ी हैं तो गिनमे चुनमे ही रहेंगे ना। खिलाड़ी तो उतने जो होंगे वही आएंगे ना, सारे खिलाड़ी तो नहीं है, सारे किसान नहीं है, सारे नेता नहीं है, इसी सब से आएंगे। अगर आप मेरे इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल लंगर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर जो पंजाब से आए हुए लोग हैं या हरियाणा से जो लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं उनको यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है, जैसे भारतीय किसान मोर्चा के लोग हैं या खाप पंचायतों के लोग हैं। इस और अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड या बैनर मिलेंगे जो यहाँ पर इन खिलाड़ियों के प्रोटेस्ट में उनका समर्थन कर रहे हैं। और आइए यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई क्या उनका मुद्दा रेसलर्स प्रोटेस्ट है या कुछ और। कितनी किसान यूनियन आई है यहाँ पर पंजाब से? देखिए, किसान यूनियन के 32 किसान यूनियन है। हर रोज एक ना एक आती है, आज दो किसान यूनियन पंजाब से आए हैं। अच्छा। एक क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब, एक क्रांतिकारी मुक्ति मोर्चा सिद्धूपुर पंजाब, दो। अच्छा, यानी हर रोज यहाँ पे हर रोज दो मोर्चे आते रहेंगे। क्या ये लगता है कि इस आंदोलन के जरिए किसान आंदोलन को दोबारा बल मिल जाएगा? जी जरूर मिलेगा, जब सारे आ रहे हैं, सारे देश से आ रहे हैं लोग, वो इसकी हिमायत पर आ रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिकली बात है ना, भी उनको सबको बल मिलेगा। तो क्या हाल चाल, कहाँ से आए हैं? सोनीपत से जी। सोनीपत से? हाँ जी। तो खाप की तरफ से आए हो? नहीं जी। हाँ, क्या मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी या अकेले आए हैं? अकेला हूँ जी। क्या सोच के आए हो?
देश की बेटियों का सवाल है, इज्जत मान का सवाल है ये। बजरंग पूनिया को मैं 22 साल से जानता हूँ। तो आप 22 साल से मेरे संबंध है, 22 साल से है मेरे। तो आपका ये कहना है कि बजरंग पूनिया जो कह रहा है वो 100% सच है, उससे भी आगे? अच्छा, हाँ जी, दावा कर सकूँ मैं इस बात का। इतना सज्जन लड़का है कि पूछो मत। ये अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो ये जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस वालों का बैक किया हुआ प्रोटेस्ट है, या ये खाप वालों का बैक किया हुआ प्रोटेस्ट है, या हुड्डा साहब इसके नहीं, जो वो करे वो भी आ जाए, उनको कौन मना कर रहा है? जिसको ठीक लगे आओ, जिसको नहीं लगे, नहीं लगे तो उसका तो क्या लाभ हो सकता है। ये हमारी बहन बेटियां जो बैठी हैं, जो रोहित, ठीक है ना, ये किस लिए बैठी हैं इधर? जो शुरू से जब छोटी सी होती है ना, तब इनको हम कहीं उंगली पकड़ कर ले जाते हैं, इनको कुछ ना हो जाए, ठीक है ना। और जब इनके बाहर निकलती हैं, ये दे बाहर निकलती हैं ना, हमारे देश के लिए खेली, और वो लुच्चे लफंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, क्या उनको पता है क्या भी कुश्ती की ABC पता है? उनको सारा परिवार उन्होंने अपना कुश्ती के फेडरेशन में डाल रखा है। वो तो यूपी के गुंडे हैं। अच्छा। और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं बेचारे, जो दिन रात अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए मेहनत करते हैं। और ये नहीं कोई कोई अमीर घर के हैं, ये सभी गरीब घर के छोटे बच्चे हैं। किसी मंत्री का बेटा कभी आपने देखा है कोई मेडल लाता हो देश के लिए? नहीं लाता ना। जो गरीब होगा, छोटे तबके का होगा, उसी में देशभक्ति होगी, मंत्री के बच्चे में देशभक्ति नहीं होगी। अच्छा। हाँ जी, अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो BJP वाले को मेरे सामने छित्र पड़ेंगे आने वाले समय। अच्छा, तो ये छित्र कैसे छित्र की बात कर रहे हो आप? वोटों की? दोनों छित्र, दोनों तरफ। हमारा देश क्या कर रहा है? हम हमेशा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतने मेडल ले आए, वो कर लिए, जो हमारा प्राइम टाइम है वो हम धरने में वेस्ट कर रहे हैं। जो इनको हमें ऊंचा उठाना चाहिए, इन लड़कियों को और लड़कियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, आज उसकी इज्जत की रखवाली के लिए हम खड़े हैं। ये देश क्या कर रहा है? इसके लिए हम सब महिलाओं को और सब वर्ग को हम उजागर करना चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए, इन सब के लिए आगे बढ़ें, और अपना जो अपना समय है इन चीज़ों में ना गवा के इन बातों के लिए जल्दी निर्णय लें, और जो भी अपराधी है उसको गिरफ्तार करें, उनको प्रैक्टिस, और उनको जो मेन मुकाम है इन पहलवानों का वो करने के लिए इनका मौका दें। क्योंकि आज इनका मनोबल गिरेगा तो कौन लड़की अपनी भेजेगा, कौन लड़की अपनी रेसलर इस ग्रुप में भेजेगा? ये मनोबल की बहुत बड़ी बात है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो करते हैं, पर उसको कितना मानते हैं इसके लिए ये हमें सोचने का बहुत बड़ा सवाल है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार वो इस पे ध्यान दे और सुने। मत बीज बिघन के बोवे रे मोदी, देख कैसे देश, मत बीज बिघन के बोवे रे मोदी, देख कैसे देश, इन बेटियां ने न्याय दवा दे रे मोदी, देख कैसे देश। चोर चोर मोरचा भाई, जितने भी नेता हैं ये खाली हमें ठगने के लिए गलत बोलते ना सभी। तो नेता तो जो यहाँ भी आ रहे हैं वो भी क्या सेम? ये तो हमारे आप कर ले, आप सब पूछे मेरा। तो ये चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? इस पर भाई देखो, जनता इसमें उसमें लगा था 13 महीना, इसमें लग जाएंगे मरिया खा था 13 साल। अच्छा, फिर भी नहीं आने वाला फैसला? फिर भी नहीं आना। अब तो फैसला करने वाले यार, मैंने चोरी करी, मैं बोलता हूँ मैंने चोरी करी भाई, मैं ही जजमेंट ना बताइए, कोई छोटा है जज? कोई है छोटा जज? सब तो इनके ही भैया, ये नेता किसी के नहीं है, कोई भी नेता हो। तो जो नेता यहाँ आ रहे हैं वो भी वैसे ही यहाँ भी है भाई, वो खाली हाथों अपने अपने वो बना रहे हैं, नहीं कुछ जो जो जनता आ रखी है, क्योंकि ये हमारी जैसी जनता आ रही है। और वो मोदी गोदी मीडिया सबसे नाश करा इस इंडिया का, गोदी मीडिया ना सबसे नाश करा गोदी इंडिया ना, उसने क्या सच दिखाती नहीं, मोदी 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 मोदी। अच्छा, वो गलत भी कर रहा, मोदी बड़ा पद दे तो संघ बजा रहा, छोटा पद दे साला पाद रहा, वो हिसाब किताब हो रहा। अच्छा, वो हिसाब किताब हो रहा, समझा? मोदी जी से गुस्सा है आपको? हम मोदी का, मैं पूरा भक्ता भाई। अच्छा। वहाँ मोदी का गुस्सा नहीं, मोदी का भक्ता। हाँ। जब वो गलत करा तो हम गलत का साथ क्यों, मैं मानो। हाँ, मुद्दा बताओ। तो मुद्दा क्या लगता है क्या इनकी? नहीं, एक बात है, इतने जो लोग, ये तो पहलवान नहीं, आगे रोज जाना, कितनी को बलात्कार होते हैं। और ये मतलब कुछ ही नेता होंगे ऐसे, देखो जब नशा है ना तो गलती काम करता, दौड़ भी कभी गलत काम करता ना, तो ये तो पक्का नशा है। हर आदमी करेक्टेबल, जब चुनाव होगा तब तो ना खतरा नहीं है, तब तो पैर पकड़ेंगे, और जब चुनाव होने के बाद लोगों का काम करना है तो सारे वो लगा देंगे अपने जेल सुरक्षा, तो कोई नदी नहीं आने का। तो बताइए है क्या ये इनकी साथ हकीकत, सोचो ना इनका नो बैठी है।
हकीकत सुन होया जिसे धुंधला रहे ये बोला क्या पहलवाना फलाना ढिकाना, जब पहलवानों ने छोड़े गोल्ड मेडल को तो हमारे जगह क्या छोड़ेंगे। तो ये मुद्दा अब राजनीतिक हो गया है या अभी राजनीति नहीं है, जनता ये भारत नीति है, भारत नीति, भारत नीति, मानव नीति है, मानव ये इनके लिए होगी गद्दार की, गद्दार के लिए राजनीति, गद्दार बैठे हैं, ये है मानव नीति, है मानव नीति। या अगर इनकी बहन के साथ क्या कुछ करा तो क्या किसी का दुख नहीं होगा, तो आपकी बहन को कुछ छुए तो गोली मार देंगे आप, हैं? वो बड़ा था ना, अगर छोटा होता तो गोली मार देते, क्या और पार्टी का होता ना पुनसा मान तब तो सारा अति की तरह तक दे देता, कोई कानून नहीं है, मार दिया अगो हो मार दिया। तो इंसाफ मिलना चाहिए, है इंसाफ देगा कौन, अरे इंसाफ देगा, अरे बड़ा उन्होंने अपराध किया वो इंसाफ देंगे, देगा कौन इंसाफ। तो हम लोग आए थे जंतर मंतर पर यह जानने कि पहलवानों के प्रोटेस्ट का 16वां दिन कैसा रहा। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, प्रोटेस्ट करने वालों से बात की, जो लोग बाहर से भी इन पहलवानों के प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए आए थे उनसे भी हमने बात की, और हमने बहुत सी बातों पर उनका व्यू पॉइंट जाना और ये भी जानने की कोशिश की कि क्या ये धरना सिर्फ पहलवानों के प्रोटेस्ट तक सीमित रह गया है या फिर ये एक ऑपोजिशन पार्टीज का बीजेपी के खिलाफ एक बड़े लेवल का धरना बनता जा रहा है। क्या इसमें किसान प्रोटेस्ट भी शामिल है, क्या इसमें ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट शामिल है, क्या इसमें रेसलर्स प्रोटेस्ट शामिल है, ये सब चीज़ों पर हमने बात की और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मेन मुद्दा है क्या। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा हम लोग यहाँ आते रहेंगे और ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए अनकट।